जलंधर विखे शहीद बेअंत सिंह दे 99 जन्म दिहाड़े नूं समर्पित समागम आयोजित किया गया, जिस च बेअंत सिंह जी की मूर्ति नूं श्रद्धा सुमन भेट किए गए। इस मौके जलंधर सांसद मैंबर संतोख चौधरी विशेष तौर पर पहुंचे, जिथे उन्होंने बेअंत सिंह की मूर्ति से श्रद्धा सुमन भेट किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरदार बेअंत सिंह की कुरबानी सदका ही पंजाब सूबा मुड़ तो खड़ा होया है। सरदार बेअंत सिंह ने ही सूबे च अमन अते शांति लियांदी है, जिस कारण वह बेअंत सिंह दे ऋणी हन। इस दे नाल ही उन्होंने सूबे दे लोकां नूं बेअंत सिंह दे पूर्णियां ते चलन दी बेनती कीती। अज सरदार बेअंत सिंह जी दा जन्म उत्सव है, उस संबंध विच असीं फुल भेंट करन आए उन्हां दे स्टैचू ते, क्योंकि सरदार बेअंत सिंह जी ने बहुत वड्डा योगदान पंजाब विच अमन और शांति लियाउण विच पाया। जिस वक्त सरदार बेअंत सिंह सूबे दे कांग्रेस के प्रधान बने तो उस वक्त सूबा बिल्कुल आतंकवाद से ग्रस्त सी और चारों पासों सहम डर का माहौल सी और रोज़ निहत्ते लोगों नूं बेगना लोगों नूं कंधा नाल ला ला के मारिया जा रहा सी। इस माहौल दे विच सरदार बेअंत सिंह जी नूं साडी कांग्रेस पार्टी ने सूबे की कांग्रेस की कमान संभाली और सरदार बेअंत सिंह सूबे के हर कोने विच अमन और शांति का सुनेहा लेके गए। असीं भी उन्होंने नाल जांदे रहे और फिर 1992 का चोणा हुई और जिस विच कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल किया और सरदार बेअंत सिंह सूबे के मुख्यमंत्री बने। सूबा बिल्कुल टुट चुका सी, सूबे की माली हालत बहुत माड़ी सी, सूबे विच डर का माहौल सी, सहम का माहौल सी, तो उस वक्त सरदार बेअंत सिंह जी ने बतौर मुख्यमंत्री जिथे सूबे विच अमन और शांति लियांदी, सूबे विचों आतंकवाद का खात्मा किया और एक शांतमय माहौल जरा सूबे विच किया। उत्थे सूबे के निर्माण च सूबे विच एक क्रांतिकारी विकास का युग भी रंभिया, जिस दे नाल मुड़ के पंजाब नूं खड़ा किया। सो मैं समझदा कि असी सरदार बेअंत सिंह जी दे ऋणी हैं कि जिन्होंने एक पंजाब जिहड़ा सी जिहड़ा कि हिंदुस्तान का सरताज मनिया जाता सी और वो इस तरह सी कि पंजाब खत्म हो जाएगा, उसको मुड़ के बहाल किया, उसको विकास दे रस्ते ते लियांदा, अमन और शांति दित्ती। सो मैं उन्होंने जिते श्रद्धांजलि भेंट करदा, चरण प्रणाम करदा। उत्थे सूबे दे लोगों नूं यह भी बेनती करता है कि सरदार बेअंत सिंह जी की जिहड़ी कुरबानी उन्होंने अंत विच देश की एकता अखंडता और सूबे विच शांति वास्ते अपना जीवन भी कुरबान कर दिता। उन्होंने बंब नाल उन्होंने मारिया गया, उन्हों का शरीर बंब नाल छलनी छलनी होया, पर सरदार बेअंत सिंह की कुरबानी हिंदुस्तान के और खास करके पंजाब के इतिहास में। जलंधर तो रवि गिल दी रिपोर्ट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਮਾਗੋ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਧੁਰ ਮਾਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਸ ਕੋਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ SDS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ GIC ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਆਈਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ SDS ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, IELTS ਵਿੱਚ SDS ਬੈਂਡਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ IELTS ਅਕੈਡਮੀ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਰੋ ਸਾਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ।